बिहार इज नॉट अ स्टेट, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। सोनी लीफ ओरिजिनल सीरीज महारानी जो कि फाइनली रिलीज हो चुकी है, इसमें टोटल 10 एपिसोड्स है, जिसके हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 39 मिनट से लेके 57 मिनट्स के बीच में ही है। और शो की कहानी स्टार्ट होती है 1998 बिहार से, जहाँ पर हमें शोम शाह एज भीमा भारती नज़र आते, जो कि बिहार के चीफ मिनिस्टर है। इनकी वाइफ का यहाँ पर रोल प्ले करी हुमा कुरैशी, जिसका इस शो में नाम है रानी भारती। खैर, अब कहानी में ट्विस्ट अब आता है जब भीमा भारती पे, यानी कि सोहम शाह पे कुछ लोग अटैक कर देते और इसके वजह से वो बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाते, इसीलिए वो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रानी भारती को दे देते, यानी कि रानी भारती को बिहार का चीफ मिनिस्टर बना देते। अब उसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, उसके लिए तो आपको ये शो देखना पड़ेगा। मैं इस शो के लिए एक ही वर्ड यूज़ करूँगा, गजब। बहुत ही गजब राइटिंग है भाई शो की। उसके अलावा शो में आपको बिहार की पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी, बिहार में कैसे अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में वो जो एक डिफरेंस है वो आपको साफ समझ में आएगा, वहाँ की पॉलिटिक्स में कितना करप्शन है वो समझ में आएगा। यहाँ पर आपको एक स्कैम, एक बड़ा घोटाला भी देखने को मिलेगा, यानी कि इस पूरे शो में आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेगी जो आपका इंटरेस्ट पूरी तरह से शो में बनाए रखती है। अगर कैरेक्टर्स की बात करो तो यहाँ पर आपको मल्टीपल कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन स्पेशली रानी भारती के कैरेक्टर को जिस तरह से शो में प्रोग्रेस किया ना, उस कैरेक्टर की जो अलग अलग लेयर्स हमें बताई है ना थ्रू आउट द शो, मतलब आप उस कैरेक्टर के फैन बन जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं कि दूसरे कैरेक्टर से इंपॉर्टेंस नहीं है भाई, हर एक कैरेक्टर को इतना बढ़िया लिखा है, एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर पर भारी होता हुआ आपको नजर आता है, जो कि नेक्स्ट लेवल वाली बात है। शो की सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है, लोकेशंस बहुत ही बढ़िया, पीजीएम बहुत ही कड़क है। अगर एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करो तो चाहे वो सोहम शाह हो, उमा कुरैशी हो, इनामुल हक हो, अमित सेल हो, ईच एंड एवरी एक्टर हैज़ डन हिज जॉब फैब्यूलस। मज़ा आ गया देखकर। इसके जो कास्टिंग डायरेक्टर है भाई, उनकी भी तारीफ करूँगा कि हर एक किरदार के लिए आपने जिस एक्टर को सेलेक्ट किया ना, वो एकदम सूटेबल लगता है। डायरेक्शन बहुत अच्छा है, राइटिंग बहुत अच्छी है, एडिटिंग बहुत अच्छी है, हर एक एपिसोड को उतना ही रखा जितना होना चाहिए, मतलब अननेसेसरी के कोई सीन्स आपको नज़र ही नहीं आते। और हाँ, डायलॉग बाजी भाई, डायलॉग्स इतने अच्छे हैं ना कि मैं आपको क्या बोलूं। और मैं आपको बताना भूल गया, शो में आपको नक्सल्स भी देखने मिलेंगे, उनका भी अपना मोटिव देखने मिलेगा, प्लस यहाँ पर आपको वीर सेना वाले लोग भी देखने मिले जिनका अपना एक मोटिव है। और शो में अगर एक्शंस की बात करो तो काफ़ी ज़्यादा वायलेंस, इस कदर का वायलेंस देखने को मिलेगा जो कि आपको फील करवाता है कि यार बिहार में ये सारी चीज़ें होती होगी तो यार वो मंजर कितना खौफनाक होगा। क्योंकि अगर नेगेटिविटी की बात करो तो यहाँ पर अमित सेल का जो कैरेक्टर है नवीन का, उस कैरेक्टर को और भी अच्छी तरह से प्रोग्रेस किया जा सकता था, या तो फिर अमित सेल के कैरेक्टर को और भी थोड़ा स्क्रीन टाइमिंग देते तो वो और भी ज़्यादा इफेक्टिव होता। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि इस शो में किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर पर फोकस नहीं किया। अगर आप लोग शो देखोगे तो यहाँ पर आपको जितने भी कैरेक्टर सबको अपना अपना स्क्रीन टाइमिंग दिया, अपने अपने इंपॉर्टेंस दी है, तो इस हिसाब से हम लोग किसी एक कैरेक्टर को बोलना भी बेमानी होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ऑडियंस को ऐसा फील हो सकता है अमित सेल के कैरेक्टर को लेकर, जो चीज़ मैंने आपको बताई है। बाकी तो आप लोग जब शो देखोगे तो मुझे आपका ऑनेस्ट ओपिनियन बता देना। पूरी रात जाग कर ये शो देखा, लेकिन एक सेकंड के लिए भी भाई बोर नहीं हुआ। और अगर बहुत सारे लोग गलती निकालेंगे इस पर्टिकुलर शो में तो वो उनका अपना ओपिनियन होगा। डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट शोज है 2021 का, मार्क माई वर्ड। का हमें सीजन 2 भी देखने को मिलेगा, ये मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूँ। पेरेंटल गाइडेंस के लिए इतना ही बोलूंगा, शो में आपको कुछ भी अश्लील यानी कुछ भी एडल्ट सीन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ वॉयलेंस बहुत है तो वो थोड़ा आप ध्यान देना, मतलब वो भी एक रियलिटी बताने की कोशिश करते वो लोग बिहार और यूपी जैसे स्टेट्स की। मैं इस शो को रेटिंग दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।